जैसा कि आपको पता है कि मौसम मानसून का है, इस मौसम में हमारी जिल्द काफ़ी ख़राब हो जाती है, हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। हमारी स्किन ऑयली होने की वजह से हमारा कलर बहुत ज़्यादा डल लगता है, हमारा कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक लगता है। तो इसलिए आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊँगी कि इस मौसम में भी आपका चेहरा चमकता और खूबसूरत नज़र आएगा। अगर आप इस मौसम में भी अपनी स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं और अगर आप अपनी स्किन को कोरियन जैसी स्किन बनाना चाहते हैं, यानी कि कोरियन टाइप स्किन बनाना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इस रेमेडी में हम सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जो हमारे घर में ही मौजूद होंगे। अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट है तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इस रेमेडी में एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि एलोवेरा के कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो आज हम 2 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर सिर्फ हम ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जो इस मौसम में आपकी स्किन से ऑयल ख़त्म कर देगी, आपकी स्किन के ब्लैकनेस को ख़त्म कर देगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग ना देगी, वो भी बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि इस मौसम में हमारा कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट वाली हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊँगी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इस मौसम में भी ग्लोइंग नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईमान ब्यूटी बॉक्स। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी रेमेडी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ जो आपकी स्किन को फ्रेश बनाएगी, ग्लोइंग बनाएगी, वो भी इस मौसम में, क्योंकि मानसून के मौसम में हमारी स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, हमारा कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस मौसम में मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से अपने चेहरे को फ्रेश रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की मदद से। 2 इंग्रेडिएंट्स पे आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें आपके घर में इजीली मौजूद होंगी, क्योंकि दोनों चीज़ों को मिलाकर एक ऐसा मैजिकल फेस पैक तैयार होगा जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, फ्रेश बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो आपने लेनी है एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल अगर फ्रेश आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रेश नहीं है तो आप बाजारी एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में ऐसी खसूसियात होती हैं जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाती हैं, हमारी स्किन से पिंपल्स वगैरह ख़त्म करती हैं, हमारी स्किन से ऑयल को ख़त्म करती हैं और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश बनाती हैं। एलोवेरा जेल ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये हमारी स्किन को तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी स्किन को, अगर हम क्रीम वगैरह इस्तेमाल करें तो ये क्रीमों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर देती है एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल में ऐसे बेनिफिट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, ना सिर्फ वाइट करने में बल्कि हमारे पिंपल्स वगैरह को भी रिमूव करने में मदद देते हैं। ये देखें, ये बहुत यूज़फुल है। इस तरह से आपने घर से एलोवेरा जेल और आपने इसको इस तरह से, यानी कि कंघी की मदद से निकालना है, इस तरह से इसका जो जितना भी गूदा वगैरह होगा सब अच्छी तरह से निकल आएगा, आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से निकालना है, क्योंकि जो जब हम दूसरी तरह से निकालते हैं यानी कि छुरी वगैरह की मदद से तो ये अच्छी तरह से नहीं निकलता। ये देखें, हमें काफ़ी मिल चुका है और इतना हमें काफ़ी है। उसके बाद आपने इसके अंदर दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है, आपने लेना है राइस पाउडर, यानी कि फ्लोर, चावलों का आटा, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपने इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो चुका है। जेल को मिक्स करके दोनों को, यानी कि एक आपने रेमेडी तैयार करनी है, एक आपने फेस मास्क तैयार करना है जो आपको इस मौसम में आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बनाएगा। इस तरह से आपने एक पेस्ट तैयार करना है चावलों का आटा। आपको पता है जो कोरियंस जो जिनकी स्किन कोरियन जैसी होती है, आप लोग देख के कहते हैं कि हमारी स्किन भी ऐसी हो, तो वो यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो चावलों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, चावलों का आटा अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए उनकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी होती है और उनकी स्किन कोरियन टाइप होती है। और इसलिए अगर आप भी अपनी स्किन को कोरियन टाइप बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को इस मौसम में फ्रेश रखना चाहते हैं, ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी, ग्लोइंग नज़र आएगी और आपकी स्किन जब आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे
है तो आपकी स्किन कोरियन जैसी स्किन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाएगी। तो इसको आपने सबसे पहले अपना फेस यानी कि वॉश करना है साबुन वगैरह से अच्छी तरह। उसके बाद आपने इसको अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको फ्रेश वाटर से रिमूव कर लेना है। और उसके बाद आप अगर आपके पास ग्लोज स्प्रे है तो आपने उसको अपने चेहरे पर कर लेना है और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आएगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अनमान ब्यूटी बॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।